रतलाम जिला प्रशासन ने छत्री पुल के समीप करीब 11,000 फीट शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एसडीएम अभिषेक गहलोत की मौजूदगी में की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रामकों ने हल्का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के चलते आखिरकार अतिक्रमण हटा दिया गया। अतिक्रामकों का आरोप था कि उक्त शासकीय भूमि को वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से अपने नाम करवा लिया है और वक्फ बोर्ड के लोग प्रशासन को अपने प्रभाव में लेकर इस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अतिक्रामकों का यह भी आरोप था कि उनके अतिक्रमण के अलावा अन्य लोगों ने भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उक्त सारी भूमि शासकीय होकर नजूल की है और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रशासन द्वारा नजूल भूमि के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। गहलोत ने स्पष्ट किया कि भागवत कथा का आयोजन यथावत जारी रखा जा रहा है, लेकिन जहां भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। देखिए, बेसिकली ये नजूल की जगह है, 8,800 स्क्वायर फीट जगह है, इसको हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराया है और इसका नगर हित में कुछ ना कुछ उपयोग किया जाएगा। ये 8,800 स्क्वायर फीट जमीन है, नजूल का सर्वे नंबर 117 है, इसको हम खाली करा रहे हैं आज। सर, इस पर क्या विवाद चल रहा है जमीन के? कौन दो पक्ष? नहीं, जमीन पे कोई विवाद नहीं है, एक शासन पक्ष है और एक अतिक्रामक है। तो शासन ने अतिक्रामक से अपनी भूमि को खाली कराया है ताकि नगर हित में उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सके। एक धार्मिक आयोजन भी चल रहा था। नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार नोटिस देने के बाद इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हो जाते हैं, तो जैसे भागवत कथा वहाँ बैठी है, भागवत कथा बहुत आराम से चल रही है और वो जिस प्रकार से संपन्न होनी वैसे ही संपन्न होनी होगी, उसको निर्विघ्न रखते हुए आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया है। वास्तव में नजूल की है और 2015-16 तक नजूल की रिकॉर्ड में थी। इनने फिर बाद में फर्जीवाड़ा करके और पैसे वैसे दे के और ये ज़मीन वक्फ के नाम चढ़वा ली और उसके बाद से लगातार मुझे दबाव बना रहे खाली करने के लिए। और 50 लाख रुपये का मुझे ऑफर दिया गया था एक मुस्लिम लीडर द्वारा, लेकिन मैंने कहा कि ये ज़मीन नजूल की वक्फ की नहीं है, इसलिए मैं 50 छोड़ आप 5 करोड़ देंगे तो भी मेरे को खाली नहीं करना है, क्योंकि शासन की ज़मीन है, शासन में चले जाए सारी ज़मीन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शासन ने, जिला कलेक्टर ने द्वेष्टापूर्वक कार्रवाई करते हुए खुद मेरे को अकेले को नोटिस दिया। मैंने नोटिस के जवाब में सब बता दिया कि ये ज़मीन नजूल की है।